सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। बहुचर्चित काला हिरण शिकार केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही अभिनेता सैफ अली खान अभिनेत्री नीलम सोनाली तबू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया है 28 मार्च को इस मामले में सीजीएम देव कुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया सलमान खान को लेने पहुंची पुलिस वैन मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा इसके जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाएंगे जोधपुर जेल जेल के 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 डीआईजी विक्रम सिंह ने कहा फैसले मद्देनजर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं बाथरूम अच्छे स्थिति में है सलमान को वही खाना दिया जाएगा जो अन्य कैदियों को दिया जाता है हो सकता है कि सलमान को आसाराम के साथ रहना पड़े दाश सलमान को जेल ले जाने के लिए पुलिस वैन कुछ देर में कोर्ट पहुंच रही है दाइश सलमान खान को सजा मिलते ही उनकी दोनों बहनें रो पड़ी है दाश सलमान खान को सजा मिलते ही बिश्नोई समाज ने जताई खुशी दाइश सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई है उनको हिरासत में ले लिया गया है दाश बिश्नोई समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद ने कहा कि हम फैसले का अध्ययन करेंगे इसके बाद बरी हुए आरोपियों के खिलाफ अपील करेंगे दाइश सलमान के वकील ने अधिकतम दो साल सजा की मांग की जबकि सरकारी वकील उनके लिए छह साल की सजा की मांग कर रहे हैं दहशत सजा पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट रूम से अपने चेंबर में चले गए हैं दहशत सरकारी वकील ने सलमान खान के लिए छह साल की सजा की मांग की है दहश कोर्ट रूम में बहुत दुखी दिख रहे हैं सलमान दोनों बहने साथ में मौजूद कोर्ट में सजा पर बहस पूरी हुई